हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज तो फ्रेंड मेरा पार्सल आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या पार्सल आया है मैंने ना। ये देखिए, अभी अभी जस्ट आया, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये पार्सल आया तो मैं खोलती हूँ इसको जल्दी जल्दी से। और ये टेबल मैंने इतना ज़्यादा ये है, मैं खोली थी ये देखिए, पर जैसे ही खोली तो मुझे याद आ गया कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जितने पार्सल आते हैं तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से खोलती हूँ दोनों हाथ से। तो ये देखिए आप लोग, इतना पैक करके भेजते हैं ना कि क्या बताऊं। बाप रे, ये तो दिखाया कुछ और था और भेजा कुछ और है। कितना ये दिख रहा है, छी। इस बार ना इस वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये देखिए लिपस्टिक आई है, कितनी क्यूट क्यूट है ना, छोटी सी, दो ही आई है। इसको खोलना कैसे है? हाँ खुल गया, खुल गया। अरे ये लिपस्टिक नहीं है, ये तो लिप, तो ये देखिए ये लिपस्टिक नहीं है, लिप गार्ड है। अच्छा लग रहा है, फिर भी ठीक है, सफ़र में लेके जाने के लिए अच्छे, बहुत छोटे छोटे हैं। और इसका खास क्या है कि खास बात क्या है कि ऐसे बना हुआ है। और एक जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज बनाने वाली हूँ मैं मशरूम का सब्जी। तो मेरे यहाँ ये हफ्ते में एक बार बनता ही रहता है, बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी खाया करिए क्योंकि हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इसका छिलका निकालना है मुझे, और मेरे ना नेल्स ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि मैं अर्श का ना मालिश करती हूँ इसलिए नेल्स रखती नहीं हूँ हाथ में, तो छिलका निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो इसको लोग बाग धो देते हैं अच्छी तरह से आटा लगा के, लेकिन हम धोते नहीं, हम एक मतलब एक तरफ का छिलका ही, मतलब एक परत पूरा छिलका निकाल देती हूँ तो अच्छा रहता है, पूरा कचरा जितना होता है वो निकल जाता है छिलके के साथ में, तो अच्छा रहता है। और धोने से क्या है कि ऊपर ऊपर का निकल गया, बाकी रह जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से छील देती हूँ ऐसे करके। और आप लोग भी अगर मशरूम लाते हैं तो पहले बीज का, आराम से बीज का निकाल दीजिए, फिर उसके बाद में ये देखिए कितना अच्छा निकलता है। फिर उसके बाद में ना साइड से पकड़ के डायरेक्ट छील दीजिए, देखिए कितने अच्छे से छीलता है, बहुत अच्छे से मतलब छिलका निकलता है इसका, और बहुत छीलने में अच्छा भी लगता है। मेरे नेल्स नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी बहुत अच्छे से छिलका निकलता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि धोने से अच्छा है कि पहले छील लो और उसके बाद फिर आराम से धो। तो ये देखिए कितने अच्छे से छिलका निकल रहा है। तो ये देखिए मशरूम की सब्जी बन के हो गई रेडी और ख़त्म भी हो गई है, थोड़ी सी बची है, हस्बैंड जी खा लिए खाना, और अभी चांद और मैं बाकी दो आदमी खाने के लिए। तो ऐसी बनती है मशरूम की सब्जी, मैं थोड़ा पतली बनाई हूँ, सूखी भी बनती है। तो फ्रेंड मैं आई हूँ गले का लेने के लिए पेंडल, मैं यहीं से ली थी ये चैन और ये पेंडल, मतलब मंगलसूत्र क्या बोलते हैं। तो गले का लेने आई हूँ मैं, ये भाभी के यहाँ मतलब बेचती हैं घर पे ही, तो बाजू में ही है, बहुत अच्छा अच्छा गले का रहता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, मैंने तीन लेके आई, मुझे तीन पसंद थे, तीनों लेके। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहा के आ गई हूँ, अभी भी बाल गीले हैं कल के लिए, बाल ना गीले गीले हैं, थोड़ा सुखाई हूँ और चेहरे पे ना मॉइस्चराइज़र लगा ली हूँ, और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी। ये देखिए चार बज गए हैं और इस टाइम पे मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए, मैं खाना निकाल ली। ये देखिए तो खाने में है चावल, काकड़ी, मूली, मशरूम की सब्जी, रोटी, दाल, मैंने खाना निकाल ली। चलिए आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और बाबू मस्त मजे से मोबाइल देख रहा है। ये देखो यश बोलो ना, टी शर्ट को साफ पूरा घुटने में डाल के और पहनता है, बहुत टी शर्ट खराब करता है। तो चलो मैं फटाफट से खाना खत्म कर लेती हूँ। तो मेरा खाना हो गया है, लंच कर ली मैंने, और अब ना सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ और थ्रेडिंग बनवा के आऊँ, मेरा कम से कम नहीं तो हाँ
2-3 महीना हो गया मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई, चेहरे पे मेरे पिंपल्स आ गए थे, आप लोग देख रहे हैं मेरा चेहरा कितना खराब हो गया था, तो उसी की वजह से ना यहाँ सब जगह पे पिंपल्स आ गया था पूरे थ्रेडिंग पे, तो मैंने बनवाई ही नहीं, बहुत डर लगता था। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनवा के आऊँ, कल से शायद है कि रमजान शरीफ लग जाएगा तो फिर नहीं बनवा पाऊंगी, और बाबू जग रहा है तो मैं जा नहीं सकती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देखती हूँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जाऊंगी मैं। क्या हो रहा है यश, ऐसे कैसे लेटे हुए हो, कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं हो रहा है, नो नो नो, बाय। तो मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, भाभी यही बनाती है पास में, तो वो बहुत दिन से बुला रही थी, देखती हूँ उनका पार्लर भी कैसा है, मतलब घर पे ही खोली हुई है, तो उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग करवाने के लिए, और बाबू को लेके जाना पड़ रहा है। जी देखिए वो पहले ही बॉल लेके चल दिया, उसको लग रहा है कि गार्डन जा रहे हैं, चलिए हम निकलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम जा रहे थे थ्रेडिंग करवाने के लिए, और ये बाबू ना गार्डन में भाग के आ गया, और इतनी कड़क धूप है ना कि क्या बताऊं, गार्डन में मुझे अभी घुमाएगा, चलो हाथ पकड़ो। तो ये गेट है ना, ये गेट के सामने ही उनका घर है, तो इधर से गए या उधर से घूम के गए एक ही पड़ता है। तो ये रहा उनका पार्लर का पोस्टर। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी रूम पे हम ऊपर गए थे, भाभी के रूम पे ऊपर खोली है, अपने घर पे ही पार्लर खोली है, बाकी ये पोस्टर लगा के रखी है ऊपर। गार्डन में नहीं। तो फ्रेंड थ्रेडिंग बनवा के आ गए हैं घर पे, और बहुत ही अच्छा बनाई है भाभी ने थ्रेडिंग, और बाबू सो रहा है, और ऐसे ही आज डाइपर्स ख़त्म हो गया है बाबू का, इसलिए ऐसे ही है बिना डाइपर्स के। तो बहुत ही अच्छी बनाई हूँ उन्होंने, बहुत मतलब एकदम मेरे मन पसंद का बनाई है, क्योंकि मैं पार्लर में जाती हूँ ना, तो ये मेरी जो स्किन है सेंसिटिव है, तो वो ना जब धागे से खींचती तो कहीं 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 स्किन निकल जाता है, तो ब्लड निकलने लगता है। तो ये भाभी ने एक भी कट नहीं मारी, कहीं भी एक भी कट नहीं है मेरे थ्रेडिंग पे, बहुत अच्छा बनाती हैं। अब मैं इन्हीं से बनवाऊंगी, और मैंने वहाँ का वीडियो नहीं ली, सिर्फ उनके पोस्टल का वीडियो ली, क्योंकि नहीं ली अंदर का, कि घर पे खोली है ना अभी अभी, मतलब पार्लर नहीं है उनका, अभी घर पे खोली अंदर, तो घर पे अच्छा नहीं रहता किसी के लेना, पार्लर वाले तो यहाँ के लेने नहीं देते हैं वीडियो जल्दी करके, तो मैं किसी के घर के अंदर का नहीं ले सकती हूँ। तो बस घर पे क्या है, उन्होंने एक मतलब ऐसे पोस्टर लगाई हुई हैं, कांच रखी हैं, ड्रेसिंग रखी हैं, बस बना दी। तो नेक्स्ट टाइम मैं मतलब जब बनाएगी तब कर लूँगी। तो घर पे मैंने आज सोची थी कि कलर करवा दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि रमज़ान शरीफ कल से शायद चालू हो जाके, तो अगर आज चांद दिख गया तो कल से रमज़ान शरीफ चालू होगा, और अगर आज नहीं दिखा तो कल दिखेगा, परसों से रमज़ान शरीफ चालू होगा, तब भी तैयारी तो कर देना चाहिए शुरू। तो ना अब मैं देखती हूँ, हस्बैंड जी आते हैं तो देखती हूँ मतलब घर पे कलर आज करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड आज की अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।